हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडी शिप। दिस इज चैप्टर 18, द मौर्य एज। आर एस शर्मा, एशियन इंडियन हिस्ट्री, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये हम पहले ही हाफ जो चैप्टर हमारा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मौर्य एज के बारे में जाना था और इससे जुड़े जो बाकी टॉपिक थे कि रूलर कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसा था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम जानेंगे इसमें स्पेशली अशोक के बारे में, क्योंकि जो अशोक हैं वो भी हमारे मौर्य एज से ही जुड़े हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उनका रहा है, स्पेशली जो उनकी कलिंग की जो वॉर थी। ये पूरा ही लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए रेगुलर ये पूरा जो बुक है आर एस शर्मा की, इसको जल्दी ही कम्प्लीट कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं अशोक, ठीक है। तो जो अशोक का टाइम पीरियड है वो आपके सामने है यहाँ पर, 273 से 32 BC, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। तो इनके जितने भी जो वर्क हैं वो सारे आपको इसी टाइम के बीच में दिखाई देंगे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनको सक्सीड किया था उनके बेटे बिंदुसार ने, ठीक है। और उनका जो टाइम था, उनका जो रेन था पूरा का पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ना केवल सिर्फ भारत में रहकर, बल्कि उनके जो लिंक थे वो ग्रीक प्रिंसेस के साथ भी थे, मतलब भारत से बाहर भी उन्होंने जो अपने लिंक थे उनको स्थापित किया था। अब बिंदुसार का बेटा आता है अशोक, ठीक है, ये भी मौर्य रूलर्स में से एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ही वॉज सो क्रूअल इन हिज अर्ली लाइफ डैट ही किल्ड हिज 99 ब्रदर टू विन द थ्रोन। अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि शुरुआत में ये बहुत ही क्रूअल थे, जो उनकी अर्ली लाइफ थी बहुत ज़्यादा क्रूअल थे ये। यहाँ तक कि इन्होंने थ्रोन को पाने के लिए अपने जो 99 ब्रदर्स थे उनको भी मार दिया था। However, as this statement is based on a legend, it may be mythical Ashok biography written by the Buddhist author. तो देखिए, कहीं कहीं इसको बताते हैं कि ये एक तरह का मिथ है सिर्फ इनके बारे में जो फैलाया हुआ है। और इस तरह की जो बातें हैं कि इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल कर दिया था, ये जो अशोक की बायोग्राफी में मेंशन है और उस बायोग्राफी को लिखा था जो बुद्धिस्ट ऑथर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा सीरियसली भी नहीं ले सकते हैं कि सही में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि इसके पूरी तरह से कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। अब बात करते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन की। तो बात करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ अशोका इज़ रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। तो अशोक के बारे में हम ज़्यादातर जो भी जानते हैं, उनकी जो भी हिस्ट्री रही है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है जो उनके द्वारा इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे, ठीक है। 39 है ये नंबर्स में, और इनको क्लासीफाई किया गया है मेजर रॉक एडिक्ट में, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट में और कुछ सेपरेट रॉक एडिक्ट्स में, ठीक है। मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट, तो ये इनका पूरा दिखा रखा है कि किस किस पे इनको जो उनके इंस्क्रिप्शन है उनको बताया हुआ है। कुछ मेजर जो रॉक एडिक्ट है उसकी फॉर्म में है, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट की फॉर्म में है, ठीक है, कुछ पिलर्स की फॉर्म में है, कुछ माइनर पिलर्स की फॉर्म में है। द नेम अशोका अकर इन कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट फॉर्म एट 3 प्लेसेस इन कर्नाटका एट 1 इन MP। तो जो नेम है अशोक का, ठीक है, वो हमें कुछ माइनर रॉक एडिक्ट में भी देखने के लिए मिलता है, जो कि कर्नाटका में मिले हैं, कुछ हमें कुछ एक MP में मिला है। दस ऑल टुगेदर द नेम अशोक अकर 4 times। अगर हम सारा देखें मिला के, तो जो अशोक का नाम है वो हमें 4 जगह देखने के लिए मिलता है, 4 बार, 4 times। इट इज़ सिग्निफिकेंट डेट अशोक नेम डज नॉट अकर इन एनी ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन फ्रॉम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अगर हम अशोक का नाम देखें, तो अगर आप नॉर्थ में देखोगे और जो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है उसमें देखोगे, तो वहाँ पर आपको इनका नाम कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा। मतलब जो नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो भी इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको अशोक का जो नाम है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। द इंस्क्रिप्शन विच डू नॉट कैरी हिज नेम मेंशन ओनली देवन प्रिय प्रियदर्शी, ठीक है, डियर टू द गॉड। अगर आपको कहीं इनका नाम मिलता, मतलब ये जो नाम है इनका, ठीक है, ये आपको उनका नाम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक नाम मिलता है, देवन प्रिय या फिर प्रियदर्शी, ठीक है। और इसका मतलब होता था डियर टू द गॉड एंड लीव आउट द नेम अशोक। तो इस नाम को मिलाया गया है कि ये शायद उस समय अशोक के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। द टाइटल देवन प्रिय और डियर टू गॉड अडॉप्टेड बाय अशोका वॉज नॉट यूनिक बट ऑल्सो अडॉप्टेड बाय हिज एंसेस्टर। देखिए, जो ये नाम है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अशोक ने ही अडॉप्ट किया था, कोई यूनिक नहीं है ये उनके लिए, बल्कि इसको जो उनके एंसेस्टर थे उन्होंने भी इस टाइटल को अडॉप्ट किया था। प्रियदर्शी और गुड लुकिंग सीम्स टू हैव बीन हिज यूनिक टाइटल, ठीक है, जो प्रियदर्शी है उसका मतलब होता है गुड लुकिंग, और ये अपने आप में यूनिक टाइटल था। अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो ना केवल आपको भारत में बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम सबको देखते हैं तो ये हमें 47 प्लेसेस पर हमें मिलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ वर्जन की बात करें तो 182 इंक्लूडिंग 2 एडिक्ट्स विच आर कंसिडर स्प्यूरियस, ठीक है। तो ये आपको नंबर्स बता दिए पूरे।
इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट अशोकन इंस्क्रिप्शन विच वॉज जनरली लोकेटेड ऑन एशियंट हाईवेज हैव बीन फाउंड एट सिक्स प्लेसेज इन अफगानिस्तान। तो अगर आप देखें जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको अगर एशियंट हाईवे की तरफ आप देखते हैं तो अफगानिस्तान में आपको पूरी छः जगह आपको उनके जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए मिलेंगे सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर ही। कंपोज किया गया है उनको प्राकृतिक भाषा में या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में या फिर प्राकृतिक जो स्क्रिप्ट है उसमें देखने के लिए मिलेंगे। However, in the northwestern part of the subcontinent, they appeared in Aramic language and the Kharosthi script, and in the Afghanistan, they were written in both Aramic and the Greek script and languages. अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको ये स्क्रिप्ट में या लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि शायद इसलिए किया गया हो कि वहाँ पर जिस तरह के जो लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज होती होगी उसी के अकॉर्डिंग उन इंस्क्रिप्शन को तैयार किया गया होगा जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं वो उस चीज़ को आराम से पढ़ पाएँ। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको बताया है कि अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको अरामिक लैंग्वेज में मिलेगा, खरोस्टी स्क्रिप्ट में मिलेगा, और अफगानिस्तान में देखेंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज मिलती है, जो अरामिक लैंग्वेज है और जो ग्रीक स्क्रिप्ट है दोनों। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल। तो ऐसा कहा गया है कि ये पहले ऐसे इंडियन किंग थे जो लोगों से डायरेक्ट बातचीत किया करते थे। ठीक है, और वो कैसे करते थे, अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू विच कैरी रॉयल ऑर्डर्स, के मतलब उनको जो भी रॉयल ऑर्डर देना होता था तो वो इंस्क्रिप्शन पे लिखवा दिया करते थे जिससे कि जो लोग हैं उन इंस्क्रिप्शन को पढ़ के उन रॉयल ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। द इंस्क्रिप्शन थ्रो लाइट ऑन अशोकाज करियर हैज एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। उस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अशोक की जो करियर था वो क्या था, उसकी जो एक्सटर्नल डोमेस्टिक पॉलिसीज थी वो कैसी थी। ठीक है, और अपने एम्पायर को उसने किस तरह से बढ़ाया। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ का जो 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 कलिंग वॉर है उसके बारे में जानते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ द कलिंग वॉर, द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट गाइडेड अशोक स्टेट पॉलिसी एट होम एंड अब्रॉड। हम सबको पता है कि जो अशोक थे वो जो बुद्धिज़्म है, जो उसकी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते थे, ना केवल सिर्फ भारत में बल्कि उन्होंने इसको विदेशों तक पहुँचाया था। आफ्टर हिज एसेशन टू द थ्रोन अशोक फाउट ओनली वन मेजर वॉर कॉल्ड द कलिंग वॉर। जैसे ही अशोक थ्रोन पर आए तो उन्होंने ज़्यादा जो एक सबसे बड़ा जो उन्होंने जो इनकी एक फ़ाइट हुई थी वो यही थी कलिंग वॉर। और कहते हैं कि जो ये वॉर थी इसमें कम से कम 1,00,000 से ज़्यादा जो लोग थे वो मारे गए थे, और जो बहुत सारे लोग थे उनको जेल में डाल दिया था जो मारे गए थे। ठीक है, दीज नंबर आर एक्सक्रेटेड एंड बिकॉज द नंबर 100,000 इज यूज द रेकलेज इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन मिलेंगी। एट एनी रेट इट अपीयर्स दैट द किंग वॉज डीपली मूव्ड बाय द मैसेकर इन दिस वॉर। और ये जो चीज़ थी कि इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए, तो ये इस चीज़ ने ना जो अशोक थे उनको बहुत ज़्यादा डीपली उनको हर्ट किया। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई कि ऐसे लड़ाई झगड़े का या ऐसे राजपाट का क्या ही फ़ायदा जिसमें जो इतनी बड़े जो मतलब इतने सारे जो लोग थे वो मारे गए। द वॉर कॉज ग्रेट सफरिंग टू द ब्राह्मण प्रेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्ग एंड दस इन टर्न ब्रॉड अपॉन अशोकाज मच ग्रीफ एंड रिमोर्स। इसमें बहुत सारे जो ब्राह्मण प्रेस्ट थे वो मारे गए, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे वो सारे मारे गए, और उस वजह से जो अशोक थे उनको इन बातों ने बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आएगा आगे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब इन सब चीज़ों को जो ये बड़ा जो बड़े कॉन्क्वेस्ट वगैरह थे इन्होंने इन सब चीज़ों को त्याग दिया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बहरी घोषा वॉज रिप्लेस्ड बाय धम घोष। बहरी घोष को उन्होंने रिप्लेस करके किसको अपना लिया, धम घोष को। रिकॉर्ड ब्लो द वर्ड्स ऑफ अशोका फ्रॉम हिज 13 मेजर रॉक एडिक्ट। जब आप इनका 13 जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ में फ़र्क पता चलेगा। धम घोष का मतलब यहाँ पर ये है कि अब उन्होंने सारे जो लड़ाई झगड़े थे उनको त्याग के अब उन्होंने धमकी नीति को अपना लिया कि ठीक है पहले हम जो पीसफुली किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे बिना किसी लड़ाई झगड़े के। When he had been consecrated 8 years, the beloved of the gods, the king Priyadarshi conquered Kali, and 150,000 people were deported, and 100,000 were killed, and many times that number perished. ठीक है, तो ये बताया कि उन्होंने कि पूरा कैसे जो एक लड़ाई थी वो एक लंबे टाइम तक चली, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। ये नंबर आपको कहीं ज़्यादा मिल सकता है मरने वाले लोगों को, और कहीं पर ये नंबर आपको कम मिल सकता है। Afterward, now that Kaling was annexed, अब होता क्या है, यहाँ पर जो अशोक होता है उनके लाइफ में चेंज ये आता है कि अब वो किसको अपनाता है, वो धम की नीति को अपनाते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो चीज़ उन्होंने सीखी, ठीक है, अब वो दूसरों को भी इस चीज़ को समझाएं कि इन ये लड़ाई झगड़े हैं इनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें क्या करनी है, चीज़ें हमें पीसफुली करनी है। ऑन कॉन्क्वायरिंग कलिंग द बिलव्ड ऑफ द गॉड फेल्ट रिमोर्स फॉर व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज कॉन्क्वायर्ड द स्लॉटर डेथ डिपोर्टेशन ऑफ द पीपल इज एक्सट्रीमली ग्रीवियस टू द बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड वे हैविली ऑन हिज माइंड। तो ये जो चीज़ें भी हुई थी
इनकी वजह से कि भाई बहुत सारे लोग मारे गए, बुद्धिस्ट मॉन्क मारे गए, जो प्रेस्ट वगैरह वो मारे गए, कहीं ना कहीं इनके माइंड पर इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। और उन्होंने अब सोच लिया था कि मैं इन लोगों को, क्योंकि अब कलिंग तो जीत लिया, उन्होंने कहा कि अब ये जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ये मेरी प्रजा है और मेरा काम है कि मैं इनको खुश रखूँ, और जितनी भी यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं या जो मेरी वजह से हुई हैं या जो अब बाद में होने के जिनके चांसेज हैं, मैं उन सब चीज़ों को ना होने दूँ। वॉट इज़ इवन मोर डिप्रॉबलेबल टू द बिलव्ड ऑफ द गॉड, दैट इज दोज हु ड्वेल देयर, वेदर ब्राह्मण श्रमण और दोज ऑफ अदर सेक्ट हाउस होल्डर हु शो ओबीडियंस टू देयर टीचर एंड बिहेव वेल एंड डिवोटेडली टूवर्ड्स देयर फ्रेंड एक्विटेंसेज कलीग रिलेटिव स्लेव्स एंड सर्वेंट ऑल सफर वॉयलेंसेज मर्डर सेपरेशन फ्रॉम देयर लव्ड वन। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी है ना, इन सबको जो गलत चीज़ें थी, चाहे वो कोई इस तरह का कोई वॉयलेंस है, किसी सर्वेंट के साथ कोई गलत बिहेव हो रहा है, मर्डर है ना, तो इन सब चीज़ों को अब उन्होंने क्या करा, इनको रोकने की कोशिश करी। टुडे इफ अ 100 और 1000 पार्ट ऑफ दोज पीपल हु वर किल्ड और डाइड वर डिपोर्टेड व्हेन कलिंग वाज एनेक्स्ड वर टू सफर सिमिलरली, इट वुड वे हैवीली ऑन द माइंड ऑफ द बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड द बिलव्ड ऑफ द गॉड कंसीडर विक्ट्री बाय द धम टू द फोर मोस्ट विक्ट्री। ठीक है, और इन सब चीज़ को उन्होंने किस चीज़ से सुधारा, अब वहाँ के लोगों के दिलों को उन्होंने कैसे जीता, धम की नीति को अपनाकर। अशोका नाउ अपील आइडियोलॉजी टू द ट्राइबल पीपल एंड द फ्रंटियर किंगडम and the subject of the independent state in Kalinga were asked to obey the king as their father and to repose confidence in him। यहाँ पर इन्होंने जो ट्राइबल पीपल्स के साथ भी इन्होंने अपील करी, ठीक है, उनको भी समझने की कोशिश करी, यहाँ पर जो कलिंग है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह चलाने की कोशिश करी, जिससे कि जो लोग हैं वो भी इनको इज्जत दें। एक किसी जो किंग है, अगर उसके जो लोग हैं, जो उसके प्रजा है, अगर वही उसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, उसको ओबे नहीं करेगी, तो उस किंग का होने का क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर जो अशोक होते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनके आइडियाज़ को वो लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग सेक्शन के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। द ट्राइबल पीपल वर सिमिलरली आस्क्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ धर्म। ठीक है ना, तो ये धर्म का मतलब यहाँ पर धर्म है, और ये धर्म इनका ऐसा नहीं था कि किसी एक तरह के धर्म को ये आगे लेके चलना चाहते थे कि बाकी सबको दबाना है और किसी एक तबके को इनको आगे लेके चलना है, ऐसा नहीं था। ये जिसका जो मन है वो उस तरह की जो अपना धर्म है उसको अपना सकता है, लेकिन जो इन्होंने इसमें बातें कही थी वो किसी भी धर्म के लिए बुरी नहीं थी। He no longer treated foreign dominion as legitimate areas for the military conquest and he took a step for the welfare of man and animal in foreign lands which was a new thing considering the condition in those time। ठीक है, तो बहुत सारे और इन्होंने जो foreign dominion वगैरह के लिए कुछ military conquest वगैरह किए, ठीक है, और लोगों के welfare के लिए, man के लिए, animal के लिए, foreign land पे, उसमें भी कुछ इन्होंने step लिए। इन्होंने पीस को फैलाने के लिए जो राजदूत थे, जो एम्बेसडर थे, उनको ग्रीक भेजा, वेस्ट एशिया भेजा, ठीक है, अलग अलग जो देश है वहाँ पर भेजा, और यही चीज़ें हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलती हैं, जो कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जुड़ी हुई थी, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इट वुड अपीयर दैट ही सेंट मिशनरीज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका एंड सेंट्रल एशिया। इन्होंने बुद्धिस्ट को फैलाने के लिए इन्होंने अपने जो मिशनरीज हैं, जो किसी धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनको श्रीलंका भेजा, सेंट्रल एशिया भेजा, और ये सब बातें हमें पता चलती हैं इनके इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, कि जो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म को फैलाया गया है, जो प्रोपोगेट किया गया है, वो अशोक के इनिशिएटिव की वजह से ही है। एज एन इनलाइटेड रूलर अशोक ट्राई टू एनलार्ज हिज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू प्रोपेगेंडा। ठीक है, और तो इन्होंने काफ़ी जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाया। इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट कलिंग वॉर कॉज्ड अशोका टू बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट पैसिफिस्ट। ही डिड नॉट परस्यू द पॉलिसी ऑफ पीस फॉर द सेक ऑफ पीस अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस बट अडॉप्टेड द प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर। ठीक है, तो जो वॉर हुई सो हुई, लेकिन बाद में इन्होंने वहाँ पर एक अच्छी जो पीस की जो पॉलिसी थी उसको अपना के वहाँ के जो हालात थे उनको बदल दिया था और अपने एम्पायर को वापस से कंसोलिडेट कर लिया था। He retained Kalinga after his conquest and incorporated into his empire। तो कलिंग को जीत तो लिया ही था इन्होंने और बाद में उसको अपने empire में भी शामिल कर लिया था। This is also nothing to show that the disbanded the huge army maintained from the time of Chandragupta Maurya। देखिए, इनके टाइम पे भी अच्छी खासी जो आर्मी थी वो इन्होंने मेंटेन की हुई थी, और ये सिर्फ इन्हीं के टाइम पे नहीं बल्कि जो चंद्रगुप्त थे उनके टाइम से ही ये जो आर्मी थी ये मेंटेन होती आ रही थी। He repeatedly asked the tribal people to follow the policy of धर्म। He threatened adverse consequences if they violated the established rule of the social order and righteous धर्म। तो इन्होंने काफ़ी बार जो ट्राइबल पीपल हैं उनको भी कहा कि वो जो धर्म है उसकी पॉलिसी को फॉलो करें। Within the empire, he appointed a class of officers known as the Rajukas। इन्होंने कुछ जो officers हैं उनको appoint किया empire के अंदर, जिनको कहा गया Rajukas। ठीक है, और इनका काम क्या था
कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग धन की नीति को अपना रहे हैं उनको रिवॉर्ड दें, और जो लोग इस चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, उसको पनिश भी करें। जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वहाँ पर वैसा काम संभालें। अशोका's पॉलिसी टू कंसोलिडेट द एम्पायर इन इट्स वे बॉर फ्रूट एंड द कंधार इंस्क्रिप्शन स्पीक ऑफ द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी विद द हंटर्स एंड द फिशरमैन हु गिव अप किलिंग एनिमल एंड पॉसिबली टुक टू अ सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ। तो उनकी धन की नीति थी वो इतनी ज़्यादा लोगों ने अपनाई कि यहाँ तक कि जो हंटर्स थे, जो फिशरमैन थे, जो अभी एनिमल्स को मार रहे थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया और एग्रीकल्चर में अपनी लाइफ को लगा दिया और उसी में सेटल हो गए। इंटरनल पॉलिसी की बात करें, ठीक है, इंटरनल पॉलिसी एंड द बुद्धिस्ट, तो अशोका कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिस्ट में, हम सबको पता है, आफ्टर द कलिंग वॉर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही बिकम अ मॉन्क, अब वो मॉन्क बन गए थे, और वो बड़े बड़े जो गिफ्ट थे वो जो बुद्धिस्ट हैं उनको दान भी दिया करते थे, ठीक है। अंडर टू पिलग्रिमेज टू द बुद्धिस्ट श्राइन, जो मठ होते हैं वो, जो बुद्धिस्ट थे उनके जो मठ होते हैं उन्होंने वो भी काफ़ी बनवाए, बुद्धिस्ट श्राइन्स वगैरह मठ वगैरह में जाते थे, ठीक है। इस ऑल्सो सजेस्टेड बाय द धम्म यात्रा, तो इनकी जो इंस्क्रिप्शन है उसमें धम्म जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये जो बुद्धिस्ट श्राइन वगैरह वहाँ पर जाते थे, बड़े बड़े दान देते थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन अशोका हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, तो अशोक के टाइम पे ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। एंड मिशनरीज को भेजा गया था कहाँ पर, साउथ इंडिया में, जहाँ से होते हुए वो श्रीलंका गए थे, म्यांमार गए थे जिसे हम बर्मा बोलते थे उस समय, एंड अदर कंट्रीज टू कन्वर्ट द पीपल थे, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं वो भी अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर पाए। ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ सेंचुरी BC हैव बीन फाउंड इन श्रीलंका। अगर आप ब्रह्मी के इंस्क्रिप्शन देखते हैं सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी के, तो आपको श्रीलंका में कुछ इंस्क्रिप्शन आपको ब्रह्मी में देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे। अशोक सेट अ वेरी हाई आइडल फॉर हिमसेल्फ एंड दिस वॉज द आइडल ऑफ पेटर्नल किंगशिप एंड रिपीटेडली आस्क्ड हिज ऑफिसर्स टू टेल हिज सब्जेक्ट दैट द किंग लुक्ड अपॉन देम एज अ चिल्ड्रन। इन्होंने बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया था और उनसे हमेशा बोलते थे कि हमें कैसे देखना है, जो हमारी प्रजा है उसको हमें अपने बच्चों की तरह देखना है, ठीक है। एज एजेंट ऑफ द किंग द ऑफिसर्स वर ऑल्सो आस्क टू टेक केयर ऑफ द पीपल, और अपने उन लोगों को हमें पूरी देखभाल करनी है। इन्होंने कुछ धम्म महामाताओं को भी अपॉइंट किया था जो धम्म की नीति को फैलाते थे अलग अलग वेरियस सोशल ग्रुप में, वुमेंस के बीच में, और उन्होंने जो राजूकाज हैं उनको भी अपॉइंट किया था जिनका काम था पूरे एम्पायर में जो जस्टिस है उसको एडमिनिस्टर करना, ठीक है, कि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा या इनजस्टिस तो नहीं हो रहा। अशोका डिसअप्रूव्ड ऑफ रिचुअल स्पेशली दोज ऑब्जर्व बाय द वुमेन, इन्होंने जितने भी रिचुअल्स थे जो वुमेन्स के खिलाफ किए जा रहे थे, है ना, उनको भी डिसअप्रूव कर दिया था। बर्ड्स को मारना, एनिमल्स को मारना, उसको भी कम करा दिया था। जो स्लॉटिंग होती थी एनिमल्स की रॉयल किचन में, ठीक है, उसको भी इन्होंने कम करवा दिया था बहुत ज़्यादा। ही बैन गे सोशल फंक्शन इन विच पीपल इंडल्ज इन एन एक्सेस ऑफ रेवलरी, ठीक है, तो बहुत सारे जो फंक्शन थे बिना मतलब वाले उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया था। अशोकास धर्म वॉज नॉट हाउ एवर अ नैरो धर्म एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेक्युटेरियन फेथ। तो देखिए, जो अशोक का धर्म था उसको हम नैरो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी ऐसा नियम, मैंने कहा जैसे कि किसी एक चीज़ को इन्होंने फैलाने पर कोशिश नहीं करी। आप इनके सारे जो इंस्क्रिप्शन पे इनको पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी जो धर्म की जो पॉलिसीज को पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी धर्म को फैला रहे हैं। धर्म का मतलब है किसी, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ऐसा नहीं। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसे फॉलो करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अशोकास इंस्क्रिप्शन आर कॉल्ड धम लिपि विच कवर नॉट ओनली रिलीजन एंड मॉरलिटी बट ऑल्सो इम्प्रेस सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिनको हम धम लिपि भी बोलते हैं, उसमें सिर्फ रिलीजन या मॉरलिटी को ही कवर नहीं किया गया, बल्कि जो सोशल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है उनको भी बताया गया है। दे कैन बी कंपेयर टू द धर्मशास्त्र और द लॉ बुक्स रिटन इन संस्कृत अंडर ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। अगर आप कंपेयर कर सकते हैं ना, तो आप इन्हें धर्मशास्त्र की जो बुक हैं जो पहले संस्कृत में लिखी होती थी, जो ब्राह्मण्स लिखते थे हिंदू धर्म में, उस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर भी लिखा होता है कि एक राजपाट को कैसे चलाना है, तो वैसे इनके इंस्क्रिप्शन में भी था। सिर्फ केवल ये नहीं था कि सिर्फ लोगों को सिर्फ ये बता रहे थे कि स्लॉटिंग नहीं करनी, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं। तो द धम्म लिपि वर रिटन इन प्राकृतिक अंडर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, दे ट्राई टू रेगुलेट द सोशल ऑर्डर लाइक धर्मशास्त्र, ठीक है। तो ये धर्मशास्त्र की तरह अपना जो इनका जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के अंदर जो इन्होंने ये धम्म लिपि वगैरह लिखवाई थी, चाहते थे कि ये जो सोशल ऑर्डर है ये पूरी तरह से रेगुलेट किया जाए। अशोकास इंस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो बी कंपेयर टू द शासनास और द रॉयल एडिक्स इशूड इन द संस्कृत बाय ब्राह्मणाइज्ड किंग। तो देखिए, जो पहले ब्राह्मण जो किंग होते थे ना, वो भी जो रॉयल ऑर्डर्स हैं उनको इशू कराते थे, तो हम यहाँ पर अशोक के एडिक्ट को उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर बताया, तो जो पहले जो ब्राह्मणाइज जो किंग होते थे उनकी रॉयल एडिक्ट्स को शासनाज बोलते थे, ठीक है। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर एंड ही ऑर्डेन द डेट पीपल शुड ऑबे देयर पेरेंट्स, पे रिस्पेक्ट टू द ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड शो मर्सी टू द स्लेव्स एंड द सर्वेंट। तो उनके उन सब चीज़ों में यही लिखा होता था कि लोगों को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, जो ब्राह्मण्स हैं बुद्धिस्ट हैं, ठीक है ना, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो स्लेव्स हैं सर्वेंट हैं उनके लिए मर्सी दिखाना चाहिए, ये नहीं आप बहुत ज़्यादा क्रूअल हो रहे हो उनके साथ। अबव ऑल द धम्म लिपि आस्क्स द पीपल टू शो फॉर्म डिवोशन और लॉयल्टी टू द किंग, ठीक है, और आपको किंग के प्रति हमेशा क्या रहना है, लॉयल रहना है। दीज इंस्क्रिप्शन आर दीज इंस्ट्रक्शन आर फाउंड इन बोथ बुद्धिस्ट एंड द ब्राह्मणिकल फेथ। तो ये चीज़ें तो आपको चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे ब्राह्मणिकल फेथ हो, हर जगह देखने के लिए मिलेगी, चाहे किसी भी रिलीजन का किंग क्यों ना बैठा है, लेकिन हर कोई इस तरह की जो बातें हैं वो ज़रूर करेगा। अशोक ने जो लोग हैं उनको बताया कि उनको कैसे जीना है आगे, ठीक है, और एनिमल्स के प्रति उनको कैसा कंपैशन होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए। उनकी जो टीचिंग थी उनका काम था किसी भी फैमिली को एक स्ट्रेंथ देना, ठीक है, जो सोशल क्लासेस हैं उस समय जो भी एग्जिस्ट करती थी उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना। जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है, बट नेवर सैड दैट दे वुड अटेन निर्वाण विच वॉज द गोल ऑफ द बुद्धिस्ट। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको निर्वाण अटेंड करना है, जिस तरह की जो बातें हैं जो बुद्धिस्ट की टीचिंग में बताई हुई हैं कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, निर्वाण। तो इस तरह से इन्होंने कभी नहीं कहा, इन्होंने हमेशा एक सिंपल लाइफ के लिए कहा कि ठीक है आप सबके प्रति अच्छे रहो, अपने जो कर्म है वो अच्छे रहो, जिससे कि आप हेवन में जा सको। अशोकास टीचिंग वर दस इंटेंडेड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। ही डज नॉट सीम टू हैव प्रीच्ड एनी सेक्रेटेरियन फेथ। तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि किसी एक चीज़ में इनका विश्वास नहीं था, जैसे कि कट्टर सोच होती है ना, उस तरह की सोच नहीं थी इनकी। इन्होंने हर धर्म को पूरा और हर धर्म के लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट किया। अशोकास प्लेस इन हिस्ट्री। अब अशोका का इतिहास में क्या चला है वो देखते हैं। तो जो अशोक की जो पैसिफिक पॉलिसी है, डिस्ट्रॉय द मौर्य एम्पायर बट दिस इज़ नॉट ट्रू। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौर्य एम्पायर को जो डिस्ट्रॉय है वो अशोक की नहीं पॉलिसीज ने कर दिया, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत हो जाती है। आप अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे तो आप दिन पर दिन उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे, ना कि आप इस तरह से जो कहा है कि डिस्ट्रॉय हो जाइए, नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। किसी एक चीज़ को अपने साथ लेके चलोगे, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करोगे तो आपको उन्हीं लोगों का सपोर्ट मिलेगा, किसी एक रिलीजन का ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे अपना, है ना, और सभी के लिए सोचोगे तो आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रारी अशोक हैज़ अ नंबर ऑफ अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट एंड ही वॉज सर्टेनली अ ग्रेट मिशनरी रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियन वर्ल्ड। तो हम सबको पता कि एक बहुत ही बड़े ग्रेट मिशनरी रूलर रहे हैं इतिहास में, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ना केवल भारत में बल्कि विदेशों तक फैलाया। इनका जो काम था, इनका जो गोल था अब्रॉड तक, ना केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड तक अपनी जो धर्म की पॉलिसी है उसको लेके जाना, इन्होंने पूरी तरह से उसको बहुत ही अच्छे से अचीव किया। अशोक ने जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थी कंट्री में, बहुत ही अच्छे से इन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया हुआ था, पूरा देश इन्होंने एक बना रखा था, यूनिफाइड किया हुआ था, ठीक है। और इनका जो धर्म था वो भी एक था, एक लैंग्वेज थी, वर्चुअली वन स्क्रिप्ट कॉल्ड द ब्राह्मी विच वॉज यूज इन मोस्ट ऑफ इस इंस्क्रिप्शन। जो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो एक स्क्रिप्ट यूज हुई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। इन यूनिफाइंग द कंट्री ही रिस्पेक्टेड सच नॉन इंडियन स्क्रिप्ट एज खरोस्टी। लेकिन अब वही बात है कि अगर पूरे देश को जोड़ के रखना है तो यहाँ पर आपको सब लोगों से मिल के रहना पड़ेगा, सब लोगों को जो अपनी जो पॉलिसी है वो सब लोगों तक तभी तो पहुँचेंगी जब उनकी लैंग्वेज में होगी। तो उस यूनिफाइंग, उसको यूनिफाइड करने के लिए देश को, इन्होंने जो नॉन इंडियन जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने उसको भी फॉलो करा। जो हमारे देश के बाहर जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री पे जो कंट्रीज थी जिसको उस समय भारत में ही कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें अपनी जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है उसको लिखवाया। जैसे खरोस्टी हो गई, अरामिक हो गई, ग्रीक हो गई, ठीक है। His inscription appear not only in different types of Indian languages like Prakritic but also in Greek, particularly Aramaic, which was a Semitic language of the ancient Syria. तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि भारत में के थे या तो सिर्फ भारत की ही जो स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करेगी, नहीं, बल्कि जो बाहर जो दूसरी जो नॉन इंडियन लैंग्वेजेस थी इन्होंने उन जो स्क्रिप्ट है उनको भी यूज़ किया, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं वो उस चीज़ को समझ पाए। तो मल्टी स्क्रिप्ट थे, मल्टी लिंगुअल इंस्क्रिप्शन थी इनकी, ठीक है। him to contact literate people and Ashoka followed the tolerant religious policy, not attempting to force the Buddhist faith on his subject. On the contrary, he made gift to non-Buddhist. तो देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए भी उन्होंने क्या करवाया था कि लोगों से कहा कि आप जाके उनको पढ़ के सुनाओ कि इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। जो धर्म की पॉलिसी मैं फैलाना चाहता हूँ वो सब लोगों को पता तो चले कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि सब लोगों को पढ़ना लिखना आता था।
हालांकि ये जो पॉलिसी है, ये धर्म की जो पॉलिसी है उसको फैलाना चाहते थे, बौद्ध धर्म को फैलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि इनका सिर्फ बौद्ध धर्म में ही इनका विश्वास था तो उन्होंने बाकी सब चीज़ों को नेग्लेक्ट किया नहीं। अगर ये बौद्ध धर्म के जो बुद्धिस्ट थे अगर उनको कोई गिफ्ट देते थे तो उन्होंने जो नॉन बुद्धिस्ट हैं ठीक है ना उनको भी ये ऐसे ही गिफ्ट देते थे, या फिर जो दूसरे जो एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट है उनको भी ये उतना ही डोनेशन दान दक्षिणा दिया करते थे। अशोक वॉज फायर्ड विद अ जील फॉर मिशनरी एक्टिविटीज़, ही डिप्यूटेड ऑफिसर्स इन अ फार फ्लैंक पार्ट ऑफ द एम्पायर, और इन्होंने बहुत सारे जो मिशनरीज एक्टिविटी हैं उसको परफॉर्म किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, जो कल्चरल इंट्रक्शन था उसको भी प्रमोट किया है जो कैंग्रेटिक बेसिन वाला पार्ट है, और जो दूसरे बैकवर्ड प्रोविंसेस है उसमें भी। मटेरियल कल्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्ट ऑफ द एम्पायर स्प्रेड टू कलिंग, ठीक है, और कलिंग तक, लोअर डेक्कन तक, नॉर्दर्न बंगाल तक, जो दूसरे जो मटेरियल कल्चर है वहाँ तक उसको भी इन्होंने फैलाया है। अबव ऑल अशोका इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री फॉर द पॉलिसी ऑफ पीस, तो अगर हम बात करें कि अशोक की सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो क्या रहा है इतिहास में, तो वो रहा है पॉलिसी ऑफ पीस के लिए, नॉन एग्रेशन के लिए, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के लिए। ही हैड नो मॉडल इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री फॉर द परसुएट ऑफ सच पॉलिसी, नॉट देवर एनी कंपेरेबल एग्जाम्पल एज वेयर एक्सेप्ट इन इजिप्ट वेयर अकेंटन हैड परस्यूड अ पैसिफिक पॉलिसी इन द 14th century BC। अगर हम बात करें इनके टाइम की किसी और किंग की तो आपको इस तरह का काम कहीं नहीं दिखाई देगा सिवाय इजिप्ट को छोड़ के, जो वहाँ पर जो ये दिखाया बताया हुआ ये जो अकेंटन जो रूलर थे इन्होंने ऐसे ही पैसिफिक पॉलिसी को वहाँ 14th century में फैलाया था, ठीक है। बट अशोक वॉज नॉट अवेयर ऑफ इज इजिप्शियन, अब लेकिन जो अशोक थे उन्होंने कोई इनको देख के नहीं फैलाया कि इजिप्ट में इस तरह की जो पॉलिसी है उसको अपनाया गया, नहीं, अशोक को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, उन्होंने खुद से ही उनके दिमाग में ये विचार आए। ऑल्दो कौटिल्य एडवाइज द किंग टू बी ऑलवेज इंटेंट टू फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, अशोक फॉलोड क्वाइट द रिवर्स पॉलिसी। जैसे हम सबको पता है जो कौटिल्य है उनका मानना तो यही था कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट होना चाहिए, अगर आपको कुछ भी जीतना है तो बिना उसके तो वॉर के तो आप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अशोक ने इसकी रिवर्स पॉलिसी को अपनाया। ही आस्क्ड हिज सक्सेसर टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन एंड फॉलोड बाय द मगधन प्रिंसेस टिल द कलिंग वॉर, तो इन्होंने क्या कहा कि हमें जो पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट है, एग्रेशन है, उसको छोड़ देना है और हमें क्या करना है, हमें शांति से चीज़ों को चलाना है, हमें कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, पॉलिसी ऑफ पीस, ठीक है। और इनके बाद भी 2 सेंचुरी तक ये जो पॉलिसी है इसको चलाया जाता है अच्छे से, ठीक है। ही कॉन्स्टेंटली एडेयर टू हिज पॉलिसी फॉर दो ही पॉजेस सफिशियंट रिसोर्सेज एंड मेंटेन अ ह्यूज आर्मी, एंड डिड नॉट वेज एनी वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, तो कलिंग की वॉर के बाद इन्होंने किसी भी तरह की ऐसी वॉर नहीं लड़ी जिसमें इतने सारे जो लोग हैं उनको मरना पड़े, और ऐसा नहीं था कि इनके पास इस वजह से कोई रिसोर्स की कमी हो गई थी या कुछ हो गया था, नहीं। इन दिस सेंस अशोक वॉज सर्टेनली फार अहेड ऑफ हिज डे एंड जनरेशन, ठीक है। अशोकास पॉलिसी डिड नॉट हैव एनी लास्टिंग इंपैक्ट ऑन हिज वाइसरॉय एंड द वेसल्स हु डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज आफ्टर द किंग रिटायरिंग 232 BC। अशोक के मरने के बाद उनके जो दूसरे जो वेसल्स थे, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने कुछ टाइम बाद अपने आप को अपने जो रेस्पेक्टिव एरियाज थे वहाँ पर इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। सिमिलरली द पॉलिसी डिड नॉट सक्सीड इन कन्वर्टिंग हिज नेबर हु सूप्ड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ हिज एम्पायर विद इन 30 years ऑफ अशोकास गिविंग अप पावर इन 232 BC। तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो इंसान किसी पॉलिसी को बनाता है जब तक वो होता है अच्छे से चलती है, वो जिन लोगों को सिखा के जाता है वो भी कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को वो संभालें, लेकिन आगे टाइम के साथ साथ बढ़ते बढ़ते लोगों की सोच में और उनके कामों में उनके जो एक्शन होते हैं उसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो वही चीज़ अशोका के साथ होती है कि जब तक वो होते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से चलाया जाता है, उनके बाद उनकी जनरेशन आती है वो भी कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो एक टाइम पर आकर ख़त्म होने लगती हैं। तो इस तरह से पूरा हमने अशोका के बारे में पढ़ लिया और यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। ये क्रोनोलॉजी दे रखी है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम बात करेंगे मॉरल रूलर के सिग्निफिकेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर है ये फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।